नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की चार बड़ी खबरों में पहली खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और इस दौरान विधायक नैना चौटाला ने स्कूल में टीचरों की कमी का मुद्दा उठाया है। दूसरी बड़ी खबर कोरोना को लेकर है, जो देश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर गुड़गांव से है, जहां खुले में नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर साइबर सिटी में विरोध शुरू हो गया है। चौथी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं, ये यमुनानगर से है, जहां पर अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। बदमाशों ने 10वीं कक्षा के छात्र पर कार चढ़ाने की कोशिश की। तो सुबह की चार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की, और दूसरी बड़ी खबर जो है वो कोरोना को लेकर है, क्योंकि एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें कि यहां पे गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और एक बार फिर से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चौथी बड़ी खबर में आपको बता दें, चौथी बड़ी खबर में यहां पर यमुनानगर में अपराधियों के किस कदर हौसले बुलंद है ये पूरा मामला थाना बुढ़ियाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 10वीं के छात्र के ऊपर बदमाशों ने कार चढ़ाने की कोशिश की और बदमाशों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। हालांकि इस पूरे मामले को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और इससे नाराज परिजनों ने जाम लगाया है, सड़क पर जाम किया गया। हालांकि एसपी के आश्वासन के बाद इस जाम को खुलवाया भी गया, लेकिन लगातार कहना है परिजनों का कि जब तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वो जाम लगाए रहेंगे। तो अब रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। सदन में दूसरे दिन कांग्रेस ने वॉकआउट किया था। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ जारी है। विधायक नैना चौटाला ने स्कूल में टीचरों की कमी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि हंसाबाद कला स्कूल में शिक्षकों की कमी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसका जवाब भी दिया कि स्कूलों में शिक्षक अधिक है, अध्यापकों की कमी की जानकारी लेंगे, हेडमास्टरों के पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। वही गलत आंकड़े देने पर शिक्षा मंत्री सदन में घिर भी गए और इसके बाद उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अन्य विधायकों ने भी स्कूलों में टीचर नहीं होने पर ये नहीं होने का जो मामला है वो एक बार फिर से सदन में उठाया। नैना चौटाला ने स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग भी उठाई। उन्होंने किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने की भी मांग उठाई है। साथ ही कहा है कि 25 किसानों के ट्यूबवेल का आवेदन लंबित है। इसके अलावा उन्होंने छात्राओं के लिए बसों का प्रबंध करने और महिला कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने की भी मांग उठाई है। तो आज हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है। 3 दिन का ये पूरा सत्र था, आज अंतिम दिन एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग देखने को मिली है। तमाम तरह के आज भी मुद्दे उठाए गए हैं विपक्षी के द्वारा। और हालांकि बता दें आपको कि यहां पर शिक्षा मंत्री के जो कुछ आंकड़े थे जो उन्होंने स्कूल के अध्यापकों को लेकर दिया था वो गलत आंकड़े थे, जिसके ऊपर विपक्षी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। आज हरियाणा शीतकालीन सत्र, विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा अंतिम दिन, आज भी हालांकि वहां पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, कार्यवाही जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो विपक्ष है वो पक्ष सरकार पर कुछ ज्यादा ही हमलावर है। देखिए, विपक्ष का काम आम आदमी की आवाज उठाना और सत्य को उजागर करना है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की हालत बड़ी लच्चर है। लगभग 1.25 लाख सेंक्शन पोस्ट टीचर्स की हैं, जिन पर केवल 70 या 75 हजार अध्यापक काम कर रहे हैं। 50 हजार अध्यापकों की कमी है और ये सरकार ने आरटीआई जो हमने सूचना कांग्रेस की तरफ से अगस्त में ली थी उसमें सामने आई
पर दुर्भाग्य यह है कि ये सरकार न तो सत्य बताने को तैयार है न शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने को तैयार है। लगभग 4,900 स्कूलों को इन्होंने मिलाकर खत्म कर दिया। जो अलग अलग स्कूल कांग्रेस के जमाने में प्राइमरी मिडिल हाई थे उनको मर्ज कर दिया, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। स्कूलों के अंदर मुख्य अध्यापक नहीं, प्रिंसिपल नहीं, अध्यापक नहीं, तो जब स्कूलों का जो बेसिक ढांचा ही नहीं है तो शिक्षा कहां से सही होगी। और ये सरकार जानबूझकर शिक्षा का निजीकरण कर उसकी तरफ धकेल रही है। आपने किसानों की बात की, वर्षों से मांग की जा रही है कि किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दे। लगभग 70,000 से 80,000 किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है। सरकार ने बार बार दावे किए कि हम कुछ 8,000 देंगे, 5,000 देंगे, पर सरकार एक बार भी किसानों को बिजली कनेक्शन देने में सफल नहीं हुई। सरकार दावा कर रही है कि हम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, पर जमीनी धरातल पर वास्तविकता यह है कि किसानों को जो पहले 8 घंटे बिजली कांग्रेस के जमाने से मिलती आ रही थी वो भी नहीं मिल रही। ट्यूबवेलों पर केवल 6 घंटे बिजली। देव प्रकाश जी, ये तो सारे आरोप है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका जवाब है वो बीजेपी प्रवक्ता शायद सही से दे पाएंगे। वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। उनसे आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने। वीरेंद्र जी, अभी आपने कई तरह के आरोप सुने जो कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि स्कूलों के निजीकरण से जो वहां के छात्रों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, आप लोग निजीकरण करने से लोगों को परेशानी होगी, छात्रों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा वहां कहीं ना कहीं छात्रों के लिए तो ये फायदेमंद नहीं है। कई आरोप थे, क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेकर? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर जब ये निजीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, जब ये झूठ बोल रहे थे वेद प्रकाश विद्रोही जी, कोरा गुमराह करने वाला ये वाक्यांश जब इन्होंने बोला था, तभी आपको इनको टोकना चाहिए था कि हे वेद प्रकाश विद्रोही, वेद का अर्थ होता है सत्य विद्याओं का की पुस्तक, और वेद प्रकाश होकर के जब आप झूठ बोलते हैं तो आप अपने नाम पर भी कुठाराघात कर रहे होते हैं, हरियाणा के लोगों को गुमराह नहीं कर रहे होते। तो ये जवाब वीरेंद्र साहब, अगर आप ये जवाब देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, मेरे जवाब देने से अच्छा आपका जवाब यहाँ पे ज्यादा सही है। प्रोफेसर साहब मेरी सुन लीजिए ना सर, मेरे पास आईटीआई की सूचना है आपकी सरकार की दी हुई, अगर आप चाहें तो आपके पास भेज दूं। अपनी बारी में बोल लेना, अपनी बारी में। ठीक है सर, बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है। कहीं कोई ऐसी निजीकरण करने की नीति आई हो, कोई निर्णय हुआ हो, किसी एक सरकारी स्कूल का निजीकरण कर दिया हो, किसी एक सरकारी कॉलेज का निजीकरण कर दिया हो, तो आप ऐसा झूठ बोलते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसी बात करते हुए अच्छे लगते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में बड़ी संख्या में कॉलेज खुले हैं, कई विश्वविद्यालय खुले हैं, स्कूलों की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, लेकिन विपक्ष जो है तथ्यों पर जाए बगैर, तथ्यों की जान तथ्य जुटाए बिना सत्य बोलने का दावा करते हुए कोरे झूठ बोलता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, और कुछ स्कूल जो मर्ज किए गए हैं, जिनका हवाला इन्होंने कहा कि बंद कर दिए, वो स्कूल केवल मर्ज किए गए हैं जहां पर विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी और उनका वो वायबल नहीं थे, और उनको मर्ज करके, मान लीजिए वो एक ही परिसर में 2 विद्यालयों के नाते चल रहे थे, उन दोनों को मर्ज करने से शिक्षकों की संख्या बढ़ गई, विद्यार्थियों के लिए और अधिक अनुपातिक रूप से शिक्षक मिल गए और शिक्षकों का वर्कलोड भी सामान्य हो गया। ऐसा करना तो नितांत वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण कार्य है, तो हम जो वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण काम करते हैं उसको भी ये गलत करार देते हैं। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ वेद प्रकाश विद्रोही जी, किस तरह आप कह रहे हैं कि हरियाणा में सारे शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, ये शिक्षकों के पद एकाएक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खाली हो गए क्या? हमारे कार्यकाल में तो शिक्षकों की भर्तियां हुई है। पद अगर बड़ी संख्या में खाली पड़े थे
तो आप विरासत में खाली पद छोड़कर गए थे, हमने तो खाली पदों को भरने का काम किया है। वर्तमान में जहां कहीं जैसे विधानसभा में मान लीजिए किसी सदस्य ने, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि शिक्षकों की कमी है, तो बताया वहां शिक्षा मंत्री जी ने, सुनिएगा एक वाक्य मुझे कहने दीजिए, शिक्षा मंत्री जी ने सदन के पटल पे बताया है कि जहां कहीं शिक्षकों की कमी थी वो हमने दो तरीके से पूरी करने का प्रयास किया है, एक ट्रांसफर ड्राइव रेशनलाइजेशन और दूसरा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसके माध्यम से भी हमने शिक्षक अवेलेबल कराए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि कभी कभी रेगुलर भर्ती में समय लगता है, वो प्रक्रिया कई बार वर्षों तक भी लटक जाती है, कभी कोई अदालती मामला आ गया, तो शिक्षक मिलने चाहिए, सरकार की प्रतिबद्धता और हमने शिक्षक दिए हैं। ठीक है ठीक है वीरेन जी, ठीक है झूठ ना फैलाएं। ठीक है ठीक है वेद प्रकाश जी, अभी आपने सुना, आप कह रहे थे कि निजीकरण से नुकसान है, लेकिन वीरेंद्र जी का कहना है कि निजीकरण से अध्यापकों की भर्ती और होगी, छात्रों की संख्या बढ़ेगी। बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, पहले तो आप गलत व्याख्या करती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि निजीकरण कर रही है, मैंने कहा निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा देना और निजीकरण, बढ़ावा देना और निजीकरण का क्या अर्थ होता है? हाँ नहीं नहीं मैडम, मैंने क्या कहा था सुन लीजिए ना, मैंने आप पूरी बात चौहान साहब ने तो सुनी नहीं, उन्होंने अपनी आंख दी। मैंने कहा हमने आरटीआई की सूचना, मतलब आपने जो बोल दिया, आप अपनी बात आके तो ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे, आपने पहले बोला कि निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, खतरे में है भारतीय छात्र पढ़ाई। मैं आप भी कह रहा हूँ मैडम, वो बात तो आप उस बात को कैसे नकार सकते हैं कि आपने ये नहीं बोला? अब आप सुनना नहीं चाह रही तो मैं करूँ? आपको जब अगर आपके पास आपकी बारी आई तो आपको सुना जाएगा ना सर, सुनने के लिए तो आए हैं। जब आपने मैडम, जब आपने ही अपनी बात ठोकनी है तो ठोक लीजिए। बोलिए पूछने क्या जरूरत है, बोलिए पूछने क्या जरूरत, आप बोलिए। हमने कहा कि अगस्त में हमने आरटीआई की सूचना ली, आरटीआई सूचना में सरकार ने खुद माना कि 50,000 शिक्षकों के पद खाली है, 4900 स्कूलों को मर्ज किया गया। तो मैंने क्या कहा कि भाई सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है जिसे सरकारी स्कूलों की बजाय उसका निजीकरण हो, उसके लिए मैं आपको दे सकता हूँ, आपको प्रधान की सूचना दे सकता हूँ। सरकार ने दी, हमने तो दी नहीं, सरकार की सूचना है, आपकी सरकार की है। दूसरा मैंने कहा कि भाई जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो खाली पड़े हैं, मिल नहीं रहे, सरकार कह जरूर रही है। गन्ने का जो भाव है वो 362 रुपए पिछली बार था, ये मतलब सरकार ने जो अभी सूचना, समस्या है ना किसान खुश, ना रोजगार में बढ़ोतरी, मतलब सब परेशान है। ठीक है, मतलब आपकी राज्य में सबसे सत्ता था, बीजेपी से सब कुछ परेशान है आपके मुताबिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रुक करेंगे अब अगली खबर की। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आपको बता दें कि कल की तुलना के मुकाबले आज मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं विदेश से आए अब तक 41 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिसंबर से अब तक 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जांच की जा चुकी है और इस दौरान अब तक कुल 41 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इन सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भेज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 188 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 31 मरीज अधिक हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार कोरोना को लेकर जांच की भी जा रही है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से 13 यात्रियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के संदेह के चलते सफदरजंग अस्पताल लाया गया और इन सभी यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आइसोलेट किया गया और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। दुबई से चेन्नई हवाई अड्डे पर लौटे दो यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों यात्री पुदुकोट्टई जिले के अलंगुजी के रहने वाले हैं, साथ ही उनके प्रशिक्षण के नमूने तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग को भेज दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील जी,
कल के मुकाबले 31 जो मरीजों का आंकड़ा है वो ज्यादा है, मतलब चिंता का विषय है। क्या तैयारी कर रही है प्रशासन अपने स्तर पर कोरोना से बचाव के लिए? नहीं देखिए सुरभी, हम इसे चिंता का विषय इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसे वर्डों से मुझे लग रहा है कि पैनिकनेस एक क्रिएट हो सकती है, और इस तरह के तमाम जो अधिकारी हैं या चाहे भारत सरकार है वो इस बात पर फोकस जरूर कर रही है कि कहीं ना कहीं पैनिक ना बढ़े, पैनिक ना हो। दूसरी तरफ जो केसेज बढ़ रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, आप देखिए सर्दी का मौसम है, अमूमन सर्दी जुकाम इस तरह के बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं जिसको लेकर लोग जा रहे हैं अस्पतालों में, और वहां प्रथम दृष्टया जब जांच की जाती है, चाहे वो रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट हो या फिर एंटीजन टेस्ट हो, इस टेस्ट के बाद कई केसेज आते हैं जिसको एक रूटीन में देखा जाता है, और इस मौसम के आधार पर भी देखा जाता है कि ये मौसम है और अमूमन इस मौसम में केसेज बढ़ते हैं जब सर्दी का जिक्र हो तो। लेकिन चिंता के विषय दूसरी तरफ है कि जब विदेशी फॉरेन ट्रेवलर हैं जो वापस आ रहे हैं और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अगर उसमें कहीं ना कहीं यह पॉजिटिव केस पाया जाता है तो वो BF7 का डर हो जाता है कि कहीं वो नया वेरिएंट तो नहीं और कहीं उससे ज्यादा खतरा तो नहीं। पूरा सरकार पूरा देश इस बात का एहतियात बरत रहा है, और अमूमन प्रधानमंत्री जी भी जिस बैठक में थे और प्रधानमंत्री भी उस वक्त उस बैठक के बाद एक ही बात उन्होंने कहा था कि हम जो फॉरेन ट्रेवलर हैं जो लोग आते हैं उन पर विशेष ध्यान रखा जाए और मैक्सिमम टेस्ट किया जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, ट्रैकिंग बढ़ाई जाए, यानी जो कोरोना संक्रमित है उसको किस तरह से हम ट्रैक कर लें, वो दूसरों को संक्रमित न कर सके, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और पूरे दिल्ली NCR में देखिए एक जश्न का माहौल होना है, 1 जनवरी नया साल लोग मनाते हैं, और इसमें अमूमन चाहे जो भी गाइडलाइन है, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या मास्क की बात करें, ये तमाम इनकी धज्जियां होती है, और यही वजह है कि जो भी संक्रमित अगर उनके बीच में जाता है तो मैक्सिमम लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में यह एक एडवाइजरी हम कहें, क्योंकि अभी तक देखिए आदेश जारी नहीं हुआ है सुरभि, हम कंटिन्यू अपने सबको बता रहे हैं कि कोई आदेश नहीं है कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें, मतलब अभी कोई आदेश और पाबंदियां नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी है जो कि फॉलो करना भी चाहिए। सुशील, किसी तकनीकी समस्या के कारण शायद उन तक हमारा सुशील, एक बात और यहां पर कि एडवाइजरी का जिक्र हुआ, और क्योंकि गैदरिंग से क्या ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नया साल है, अभी क्रिसमस भी था, तो लोगों को गैदरिंग से बचना चाहिए यहां पर, क्योंकि अगर ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है और हो सकता है कि हालत बेकाबू भी हो जाए। यहां दो बातें समझना बेहद आवश्यक है। पहली चीज कि जो नया वेरिएंट है उसके मरीज अभी नहीं मिल रहे हैं, यानी कम मिल रहे हैं, वह अगर संक्रमित लोगों को करता है तो उससे खतरा बढ़ सकता है। लेकिन जो रूटीन में चला रहा है, यानी पहले से जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है उससे जो लोग संक्रमित भी हुए, ठीक भी हुए, तो उससे ज्यादा खतरा नहीं है। लोग संक्रमित हो रहे हैं, होम आइसोलेट हो रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं। मैं अगर NCR का जिक्र करूं, पूरे NCR में करीब 4 करोड़ की आबादी है, और पूरे चाहे वो वेव फर्स्ट हो, वेव सेकंड हो या वेव थर्ड हो, इन तीनों वेवों की, कोरोना वेवों की जांच देखें, एक अंतर स्पष्ट करें इसमें, तो जब कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि सबसे ज्यादा पूरे देश में मरीज इस NCR में मिले थे, सबसे ज्यादा संक्रमित इस NCR में लोग हुए थे, लेकिन वो ठीक भी हुए, और ठीक होने के पीछे रीजन था कि कहीं ना कहीं एहतियात था, कहीं ना कहीं सख्त गाइडलाइन था। इस बार भी नया साल है और अमूमन इस तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ा है, और यही वजह है कि एडवाइजरी जारी की जा रही है। हालांकि अभी तक आदेश इसलिए जारी नहीं किया गया कि जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम और इस तरह इस कोल्ड वेव के रूप में भी उसे देखा जा रहा है कि जो सर्दी जुकाम से पीड़ित है वो भी अगर टेस्ट कराते हैं तो कोरोना पॉजिटिव उनका आता है अमूमन, और उनको एहतियात बरतते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन है। तो निश्चित तौर पर एडवाइजरी है, और अभी सरकार बिल्कुल इस पे एक ध्यान केंद्रित की हुई है, प्रशासन ध्यान केंद्रित किया हुआ है कि अगर इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा उनका बेहतर तरीके से उनको ट्रैक कर इलाज कराया जाए और वो ज्यादा से ज्यादा संक्रमण न फैला सके। साथ ही दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, इन तमाम चीजों पर जोर दिया जा रहा है। और जब सवाल मैंने खुद जब सवाल इस संदर्भ में जब पूछा था, मैंने बात की थी, तो अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि देखिए अब कोरोना का खतरा उस हद तक नहीं है कि कहीं लॉकडाउन की समस्या आ जाए या फिर ऐसे हो, ज्यादा से ज्यादा मास्क अनिवार्यता की बात की जा सकती है, दो गज दूरी की बात की जा सकती है, लेकिन लोगों को एहतियात अगर बरतते हैं तो निश्चित तौर पर लाइफस्टाइल में शामिल है कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आपसे और भी आगे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।
अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। खबर गुड़गांव से है, जहां पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर साइबर सिटी में विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बजरंग दल और हिंदू संगठन ने ऐतराज जताते हुए गुड़गांव के डीसी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द करने की मांग भी की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज ज्ञापन सौंपा है कि खुले में नमाज अदा की जा रही है, उस विषय में कि इस खुले में नमाज अदा करने का प्रकरण जो पुराना चला आ रहा है, पिछले पहले 57 जगह होता था, उसके बाद 36 जगह हुआ, अब 6 जगह 6-7 जगह अब भी चल रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये मांग करता है कि खुले में नमाज टोटली बंद की जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसके बावजूद ये मनमानी तरीके से मनगढ़ंत बातें बढ़ा करके और जगह जगह नमाज अदा करते हैं, वो बंद किया जाए। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जी साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है जब सभी जगहों पर नमाज बंद करने का आदेश है तो ये कुछ जगहों के नाम पर बहुत जगहों पर पढ़ रहे हैं। तो 100 करते हम 6 पढ़ रहे हैं, 6 नहीं बहुत ज्यादा नमाज पढ़ी जा रही है और जैसे भी जहां हमारे संज्ञान में आएगा हम उसको रोकेंगे। देखिए, हमने आज से 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी नमाज खुले में नहीं होगी। वह गृह मंत्री जी ने भी बोल दिया था कि खुले में कहीं पर भी नमाज नहीं होगी और उसके बावजूद भी ये है, इनको पता नहीं कहाँ से इतना सपोर्ट मिलता है जो खुले में नमाज करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कहीं बाहर से सपोर्ट मिलता है, कहीं बाहर से फंड आता है इनके पास, ये पता नहीं ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ये मैंने लिखित में ही पढ़ लिया, इन्होंने मौके की बता दी। ये नमाज से रिलेटेड है जो गुड़गांव में खुले में पढ़ी जा रही है, जो इन्होंने मेरे को ये अपनी जो भी इसमें अवगत कराया है अपनी ज्ञापन के तहत, तो मैं इसको अपने उपायुक्त महोदय जी को अभी बता देता हूँ मौके पर लिखित। तो सुशील के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुशील, एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है खुले में नमाज को लेकर, ये पूरा मामला एक बार फिर से गरमाया है, ये पूरी खबर बताएं सबसे पहले आप हमें। देखिए सुरभि, ये पिछले शुक्रवार की खबर है, मैं खुद उस वक्त मौजूद था उस स्थल पर। पहले ही एक सूचना दी गई थी, उससे एक हफ्ते पहले सूचना दी गई थी सभी नमाजियों को कि सड़क पर नमाज ना करें, क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा था गुरुग्राम में और इंटरनेशनल स्तर तक गुरुग्राम का नाम गया था नमाज प्रकरण को लेकर। उसके बाद SPR रोड है और SPR रोड के ग्रीन बेल्ट में कई ऐसे लोग जो मेवात से थे, हथीन से थे और दूसरे दूसरे स्थानों से थे, वो शुक्रवार को नमाज अदा करते थे और जिसको लेकर प्रशासन से और उन नमाजियों को भी अवगत कराया गया था कि खुले में नमाज गुरुग्राम में बैन है, जो जगह उनको मुहैया कराई गई है वहां वो नमाज पढ़े। उसके बावजूद पिछले शुक्रवार को हमने यह देखा कि किस तरह से नमाजी वहां नमाज कर रहे थे। उसी दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस नमाज को बंद कराया। हालांकि इस नोकझोंक में पुलिस भी मौके पर पहुंची, नोकझोंक हुई और पुलिस ने इन दोनों पक्षों के खिलाफ 107-151 का मुकदमा भी दर्ज किया। इसी शुक्रवार की बात है। उसके बाद बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को, आज डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में यह कहा गया कि जब यह प्रकरण चला था तो उस प्रकरण के दौरान डीसी ने खुद कई स्थानों को चयनित किया था और चयनित करने के बाद उन्हें कुछ जगह मुहैया कराए थे, लेकिन उन जगहों के अलावा कुछ अन्य जगहों पर सड़कों पर जिस तरह से नमाज ये लोग पढ़ रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं है और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये लोग कुछ आगे और भी कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इस बाबत आज ज्ञापन दिया गया है और देखना है कि ज्ञापन पर प्रशासन क्या कुछ। बिल्कुल 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 सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। रुक करते हैं अब चौथी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। यमुनानगर के थाना बुढ़िया क्षेत्र के एक स्कूल के बाहर जैसे ही 10वीं कक्षा का छात्र आया उस पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया, वैसे ही युवक नीचे गिरा। उसके बाद कार से निकले युवकों ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया, लेकिन आसपास के लोग तमाशा देखते रहे। ये सारी तस्वीर वहां के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं घटना को लेकर, लेकिन 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों ने बुढ़िया इलाके में जाम किया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि 1 घंटे बाद DSP पहुंचे और उन्होंने आरोपियों का जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान DSP राजीव ने कहा है कि पुलिस ने 26 दिसंबर को ही घटना वाले दिन मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में CCTV भी कब्जे में ले लिए गए हैं और अभी आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।
में 26 तारीख की घटना है, एक मारपीट का इंसिडेंट सामने आया है, उसमें FIR नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में दर्ज है। इसमें आज परिवार वाले मिले हैं, परिवार वालों के दो तीन इसमें जो तफ्तीश से संबंधित इश्यूज थे, जैसे एक तो मेडिकल ओपिनियन और एक इसमें जो आरोपी हैं वो फरार हैं। इस संबंध में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये FIR इसमें और उसी दिन रजिस्टर हो गई थी, तब से लगातार थाना बुढ़िया की एक टीम है और CIA 2 को स्पेशली हमने इस काम के लिए डेडिकेट किया था कि वो भी लगातार रेड कर रही है इसमें। तो दिन की चार बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।